KSG News for Aspirants की शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट एंड कंसाइज एक्सप्लेनर के साथ। इसका टॉपिक है सुरक्षा परिषद की 3 अहम कमेटियों की अध्यक्षता करेगा भारत। आइए अब जानते हैं इनके बारे में। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 3 अहम कमेटियों की साल 2022 में अध्यक्षता करेगा। ये 3 है, तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी। सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि तालिबान सेक्शन कमेटी हमेशा से ही भारत के लिए पहली प्राथमिकता रही है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में शांति कायम करने और विकास की गति को तेज करने का पक्षधर रहा है। भारत वर्षों से सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की मार झेल रहा है। भारत आतंकवाद का पीड़ित देश है। जब देश भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस वक्त भारत इन 3 कमेटियों की अध्यक्षता कर रहा होगा। तालिबान सैंक्शन कमेटी को 1988 सैंक्शन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहली बार 15 अक्टूबर 1999 में लागू किया गया था। इस कमेटी को खासतौर पर तालिबान समेत अलकायदा और इसके प्रमुख ओसामा बिन लादेन पर लगाम लगाने के मकसद से बनाया गया था। वही काउंटर टेररिज्म कमेटी को सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद बनाया गया था। भारत इस कमेटी की अध्यक्षता साल 2011-12 में भी कर चुका है। लीबिया सैंक्शन कमेटी को 1970 सैंक्शन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सुरक्षा परिषद की एक बेहद खास सहायक कमेटी है। ये कमेटी लीबिया में छाए आतंकवाद और उन्हें मिलने वाले हथियारों पर शिकंजा कसती है। साथ ही आतंकी समूह के सदस्यों की आवाजाही पर रोक लगाने और देशों को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार प्रदान करती है। भारत अगस्त 2021 में और फिर 2022 में UNSC की अध्यक्षता करेगा। UNSC की अध्यक्षता हर सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए की जाती है। भारत के अलावा केन्या, मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे गैर स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल हुए हैं। हाल ही में भारत ने UNSC में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल का शुभारंभ किया है। इसके दौरान भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस हफ्ते से फहराने लगा है। फ्लैशबैक की बात कर लेते हैं। इंडिया वॉन द 8th टर्म इन एन इलेक्शन लास्ट जून, सिक्योरिंग 184 ऑफ द 192 वोट्स कास्ट। It was last on the council in a 2-year term ending 2012. इससे पहले के जो टर्म थे वो थे 1950, 1967, 1972, 1977, 1984 और 1991. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर सिविल सर्वेंट CV आनंदा बोस के नेतृत्व में वन मैन एक्सपर्ट कमीशन ऑन लेबर ने भारत में एक नोबल बॉडी के रूप में एक लेबर अथॉरिटी की स्थापना करने की सिफारिश की है। नौकरी चले जाने की स्थिति में श्रमिकों के लिए एक बेसिक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी और एक बेसिक लिविंग वेज का भुगतान करने के लिए। इसमें कहा गया है कि भारत को माइग्रेंट वर्कर्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस पर मजबूत डेटा इकट्ठा करने के लिए रजिस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए नीतियों को तैयार करने में ये डेटा बहुत काम आएगा। इस आयोग की स्थापना मई 2020 में श्रम मंत्रालय के सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड यानी CACLB के तहत की गई थी। इस एक सदस्यीय आयोग की स्थापना का उद्देश्य महामारी के दौरान श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था। अब केंद्रीय श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। COVID-19 के कारण अप्रैल और मई 2020 में बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के सदस्यों से फूड सिक्योरिटी के उद्देश्य से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यानी PSH के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने को कहा है। COVID-19 महामारी की वजह से फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी का मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। यह बयान भारत की 7वीं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यानी TPR के फाइनल सेशन में सामने आया है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू 8 जनवरी को जिनेवा में WTO में संपन्न हुई थी। TPR WTO के मॉनिटरिंग फंक्शंस के तहत एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसमें सदस्य देशों की व्यापार और संबंधित नीतियों की समीक्षा की जाती है। इससे WTO नियमों के अनुपालन में उनका योगदान बढ़ता है। TPR बैठकों में 1050 से अधिक सवाल पूछे गए। WTO सदस्यों ने इसमें 53 में हस्तक्षेप किया। इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ऑफिस ने भारत, इटली और तुर्की की ओर से लगाए गए डिजिटल टैक्स को अमेरिकी कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया है। USTR ने कहा कि डिजिटल टैक्स अंतरराष्ट्रीय टैक्स सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। USTR ने डिजिटल टैक्स लगाने पर इन देशों को प्रतिरोध टैरिफ का सामना करने की चेतावनी दी है। USTR ने डिजिटल टैक्स को लेकर सेक्शन 301 की जांच रिपोर्ट को रिलीज करते हुए कहा कि हम अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन जारी रखेंगे। भारत ने कहा कि 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाना अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रवासी ई कॉमर्स ऑपरेशंस पर लगता है।
चाहे वे किसी भी देश से क्यों ना हो। इस टैक्स का उद्देश्य भारत की कंपनियों के साथ साथ भारत के बाहर से संचालित कंपनियों के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। यूएसटीआर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और समन्वय हेतु एक उत्तरदायी संस्था है। यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 यूएसटीआर को किसी बाहरी देश द्वारा की गई अनुचित या भेदभावपूर्ण कार्रवाई जो कि अमेरिकी व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसकी जांच करने और उस पर प्रतिक्रिया देने का व्यापक अधिकार प्रदान करती है। ये धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी राष्ट्रों पर टैरिफ या अन्य प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देती है। डिजिटल सेवा कर यानी DST क्या है ये समझिए। ये कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के बदले में लगाया गया टैक्स है। जैसे गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी कंपनियों से टैक्स वसूला जाता है। सरकार ने 2020-21 में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा व्यापार और सेवाओं पर 2% DST लागू किया था। साल 2016 में सरकार ने विदेश में स्थित डिजिटल कंपनियों के भारतीय कारोबार पर 6% लेवी लगाई थी। भारत 1 अप्रैल 2020 से इक्वलाइजेशन लेवी वसूल रहा है, जिसे गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी ने घोषणा की है कि रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए हर इन डोमेन के लिए देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से किसी भी एक में फ्री IDN यानी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम की पेशकश की जाएगी। एप्लीकेंट्स को लोकल लैंग्वेज में एक फ्री ईमेल भी मिलेगा। ये ऑफर भारत IDN डोमेन नाम को अपनाने और लोकल लैंग्वेज कॉन्टेंट के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ये ऑफर 31 जनवरी तक रजिस्टर करने वाले नए .in यूजर्स के लिए मान्य है। ये जनवरी 2021 में अपने डोमेन को रिन्यू करके सभी एग्जिस्टिंग .in यूजर्स के लिए भी मान्य होगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2003 से काम कर रहा है और इंटरनेट एक्सचेंज जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट तकनीक का प्रसार करने के लिए काम कर रहा है। अगली खबर, सरकार ने डिजिटल डायरी और कैलेंडर से बचाए 5 करोड़ रुपए। जानिए कैसे कर सकते हैं आप सरकारी डिजिटल डायरी और कैलेंडर प्राप्त। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार की ओर से डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च की गई है। मंत्रालय का कहना है कि हर साल 11 लाख कैलेंडर और 99,000 डायरी छपवाई जाती हैं, लेकिन कैलेंडर और डायरी के iOS और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन को एक बटन के क्लिक से सटीक ढंग से तुरंत हासिल किया जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन कैलेंडर और डायरी को इस साल नहीं छपवाकर करीब 5 करोड़ रुपए बचाए हैं, यानी इनका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया गया है। जल्द ही इसे अन्य 15 भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। कैलेंडर और डायरी की थीम हर महीने बदली जाएगी। ये ऐप हर साल नए कैलेंडर की जरूरत को पूरा करेगा। हर महीने का एक विषय निर्धारित होगा और उसमें संदेश दिए जाएंगे और एक महापुरुष का जिक्र होगा। ऐप लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की टाइमलाइन के बारे में भी बताएगा। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें उम्मीद है आप अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहेंगे और सफल भी होंगे।